रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली की शुरुआत हो गई है। इसमें बीजेपी, आरएसएस और केंद्र की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई है। महारैली में सभी समूहों के आदिवासियों और उनके संगठनों का जुटान हुआ है। आज ही महारैली आरएसएस के जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से हाल में आयोजित डिलिस्टिंग महारैली के जवाब में हो रही है। इसमें प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुजो, सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बरला सहित पूरे राज्य में हजारों की संख्या में लोग शिरकत किए। आदिवासियों का एकता है, ताकत है। हम आदिवासियों के दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज ये तो अभी झांकी है, आंधी अभी बाकी है। आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, संवैधानिक प्राधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब आदिवासी जाग गए हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हमारा हक अधिकार के साथ खिलवाड़ ना करें, चाहे केंद्र सरकार जो हमारे साथ भेदभाव अपनाती है उसको सुनना। आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, हम किसी हालात में हम ये होने नहीं देंगे। बता दें कि राज्य के आदिवासियों ने केंद्र, आरएसएस और बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि सरना कोड, पांचवी अनुसूची आदि के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी आदिवासियों की उपयोजना राशि ट्राइबल सब प्लान में कटौती की गई है। ये सब आदिवासियों के हित और झारखंड के साथ खिलवाड़ है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईडी को कार्रवाई, केंद्र सरकार को सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है कि अगर ये गलत तरीके से नहीं हो रहा है तो झारखंड 24 साल हो गए और सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की सरकार थी और इतने सालों में सबसे ज्यादा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन पर ईडी उनके दरवाजा क्यों नहीं भेज रहे? हमारे सवाल का क्या जवाब है? नहीं है। लेकिन आज हेमंत सोरेन के पास ईडी पर ईडी 8 एकड़ जमीन के लिए भेज रहे हैं और पूरा देश तो आदिवासियों का था, पूरा झारखंड आदिवासियों का था, पूरा झारखंड का जमीन लूट रहे हैं, जंगल लूट रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट लूट रहे हैं, पूंजीपति लूट रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन लूट रहे हैं, उस पर ईडी क्यों नहीं बैठा रहे? न्याय चाहिए ना, वी वांट जस्टिस। अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं तो झारखंड का हजारों एकड़ जमीन कब्जा करने वाले साहूकार है, माफिया है, दलाल है और यहाँ के कारपोरेट के लोग हैं, उन पर आप ईडी क्यों नहीं बैठा रहे हैं? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।